देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। आज हम आपको बताएंगे पितरों की आत्मा की शांति के लिए तरह तरह के उपाय, तो आइए जानते हैं। पितृपक्ष में हम अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, यानी कि पितृ का पिंड दान तर्पण करते हैं। यह वह समय होता है जब हमारी पितु पृथ्वी पर आते हैं और जब हम पितरों को तृप्त करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। धरती पर उतर आते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध करने का विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही श्राद्ध के थ्रू हम अपने पितरों की तृप्ति के लिए उनके पास भोजन पहुंचाते हैं और पिंड दान तर्पण करके उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। श्राद्ध से पितरों को खाना पहुंचाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र पक्ष माह की पूर्णिमा से पितृ पक्ष शुरू हो जाते हैं और अश्विन मास की अमावस्या को समाप्त हो जाते हैं। 17 सितंबर को पितृ पक्ष खत्म हो रहे हैं। हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में नेत्रों के बाद जब वह ऊपर तक पहुंच जाते हैं तो यमराज उन्हें इस समय के लिए यानी कि पितृ पक्ष के लिए मुक्त कर देते हैं और इस दौरान वे पृथ्वी पर आपके हैं और वे हमारी खुशियों की प्रार्थना करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। सफल बना जाओ, करता हूँ तुम्हारा वाहन मेरे पितरों आ जाओ। दोस्तों, अगर हम उनका पितृ दान या तर्पण नहीं करते तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह इधर उधर भटकते रहते हैं। इसलिए यह वही समय होता है जब भी यमराज हमारे पितरों को मुक्त कर देते हैं और इस दौरान हमारे पितु हमसे नाराज हो जाते हैं। नाराज होने के बाद हमारे जीवन में तरह तरह की परेशानियां आने लगती हैं, खुशहाल जीवन भी खत्म हो जाता है और ऐसे में आपको अपने पितरों को तृप्त करना चाहिए और उनके शांति के लिए पिंडदान या आपको श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पितरों की प्राप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है। अगर हम अपने पितरों का पिंडदान या तर्पण करते हैं तो यही वो समय होता है जब हमारे पितर हमसे पिंडदान या तर्पण की इच्छा रखते हैं और अपने आत्मा की शांति की इच्छा रखते हैं। इस संकट के समय घर से निकलना तो मुश्किल है ही, साथ ही सरकार द्वारा धार्मिक स्थल पर जाने की रोक लगा दी गई है। इसलिए दोस्तों, जो भी आप कार्य कर सकते हैं वह घर में ही कर सकते हैं और अपने पितरों का तर्पण तो अवश्य करना चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।